नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 को दिया है एक और इंटरव्यू। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू को रिट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात 8 बजे जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू को रिट्वीट किया है और देखिए इसमें प्रधानमंत्री लिखते हैं, बीजेपी और एनडीए ना सिर्फ हैट्रिक लगाने जा रहे हैं बल्कि देशभर में जीत का नया रिकॉर्ड भी हमारे नाम होगा। चौथे चरण की वोटिंग जारी है, 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर तेलुगु सीट्स में भी वोटिंग है? पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। देश इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जिसको संभाल पाएगा। नाम बताओ, इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बड़ी मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया, तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा, तब पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो जी, 10ों ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाए।